मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करने वालों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस सख्त हो गई है। इसी कड़ी में बिलासपुर पुलिस ने अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। बिलासपुर पुलिस ने अभी तक जिला में 1,257 लोगों का चालान किया है, जिनमें 4,34,400 रुपए जुर्माना भी वसूला है। वहीं ये कार्रवाई पूरे जिला भर में की गई है। बिलासपुर पुलिस ने फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन किया है। ये स्क्वाड अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। बिलासपुर डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग सहित फेस मास्क लगाना अति आवश्यक है। इससे पहले थानों और चौकियों में पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर समय समय पर उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट में जिला भर में दिन रात ड्यूटी कर रहे कर्मचारी भी पॉजिटिव आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में मीटिंग में प्रदेश के डीजीपी की ओर से सभी जिलों को आदेश जारी हुए हैं कि पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी मेडिकल उपकरण थानों और चौकियों को उपलब्ध करवाए जाएं। बिलासपुर पुलिस प्रवक्ता व डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि चालान प्रक्रिया प्रतिदिन आरंभ है। मुख्यालय के बस अड्डा सहित मार्केट में पुलिस के जवान हर समय तैनात रहते हैं। कोई भी नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ मौके पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना के वर्तमान दौर में हमारे पुलिसमैन जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जिनको भी काफी इससे कोविड होने का खतरा रहता है, तो एहतियात के तौर पे जिला पुलिस के अभी तक 584 जो हमारे अधिकारी व कर्मचारी हैं, उनका जो है वो कोरोना टेस्ट हो चुका है। कोविड से लड़ने के लिए हमारे पुलिस विभाग ने जितने भी हमारे थाने और चौकियां हैं वहाँ जो है वो पीपी किट्स, इसके अलावा जो है वो ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर, बेइंग मशीन, ग्लूकोमीटर इत्यादि जो जितने भी जो जरूरी उपकरण है उपलब्ध करवाए हैं, ताकि जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो अपने उसको हेल्थ को जो है वो मॉनिटर कर सके। इसके अलावा जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो है वो सैनिटाइजर और जो मास्क हैं वो भी हरेक थाना चौकी में जो है उपलब्ध करवा दिए गए हैं।